प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा संपन्न करने के बाद दो दिन के मिस्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की ये मिस्र की पहली यात्रा। मथुरा के दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मथुरा में किया 208 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। मणिपुर हिंसा को लेकर के हुई सर्वदलीय बैठक खत्म। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। गृह मंत्री ने हालात पर नियंत्रण का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां रहने वाले भारतीयों की जमकर की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका उन्नत लोकतंत्र का चैंपियन। दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को मजबूत होते हुए देख रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत की 100 से ज्यादा चोरी हुई पुरानी मूर्तियों को लौटाने का किया गया फैसला, इसके लिए अमेरिका का जताया आभार। वाशिंगटन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में पिछले वर्षों में डिजिटल क्रांति आई। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में संबोधन के दौरान कहा है कि हमारे बीच हुए सभी समझौते सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाने मात्र नहीं, इससे भारत और अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को ऊंचाई मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में गूगल का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषा पर काम करेगा, इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 जून को पीएम को गिफ्ट किया एक स्पेशल एआई टी शर्ट। पीएम मोदी ने ट्वीट पर साझा की गिफ्ट की तस्वीर। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा अब इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी से कौन मिला। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में लिया गया फैसला। हर महीने किसी एक राज्य में जुटेंगे विपक्ष के सभी नेता। नाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को तोहफा। सीएम ने 4% महंगाई भत्ता दिए जाने का किया ऐलान। पंजाब के तरन तारण जिले के लखना गांव में बीएसएफ जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया। शनिवार को श्रीनगर के प्रताप पार्क में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर मणिपुर हिंसा पर उठाए कई सवाल। कहा मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य और हमने हर बार मणिपुर का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर बार 23 जून को, जहां सुबह कमलनाथ के खिलाफ तो वहीं शाम को शिवराज के खिलाफ लगे पोस्टर। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। कहा विपक्ष की बैठक में कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेता थे मौजूद। हमने फासिदावादी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप और ओबीसी नेता शंकर महतो ने थामा कांग्रेस का दामन। बारिश को लेकर के उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए जारी किए गए अलर्ट। बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष का हुआ बुरा हाल। प्रभास कीर्ति की फिल्म में 8वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन। लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। लखनऊ के आलमबाग नगर में ब्रदर्स स्कूल कार्नर पर लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। G20 की तीसरी बैठक के लिए पहुंचने लगे विदेशी मेहमान। ब्राजील का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा ऋषिकेश। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर एसडीएम शैलेंद्र ने किया स्वागत। कर्णप्रयाग में मौसम ने बदली करवट। बारिश के बाद लोगों में को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने 24 से 30 जून तक बारिश होने की संभावना जताई। रुड़की के बेल्ला में हुए बवाल प्रकरण में दोनों पक्षों में पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। सांसद ने लंबे काफिले को गांव जाने वाली सड़क पर भरे पानी के बीच ही गुजरना पड़ा।
रुड़की के बिरला गांव मामले में राजनीति शुरू। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का गांव पहुंचने का सिलसिला जारी। हरिद्वार के बिरला मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त, अनुसूचित जाति के लोगों पर की जा रही पुलिस कार्रवाई, 15 दिनों के अंदर जांच के दिए आदेश। अमरोहा के संभल चौराहे पर न्यू हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टरों की दिखी दबंग गई, नवजात को देखने अस्पताल आए, परिजनों के साथ डॉक्टरों ने की मारपीट। बस्तर में नक्सलियों के उत्पात पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, कहा कांग्रेस की सरकार को बढ़ा नक्सलवाद। रायपुर में पीसीसी महामंत्रियों की नियुक्ति आदेश रद्द होने पर सियासत तेज, बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आदेश रद्द होने को बताया आदिवासियों का अपमान। धर्मांतरण मुद्दे को लेकर के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बस्तर में आदिवासी वर्ग नाराज। राजस्थान के बूंदी में रेड क्रॉस से जिला कलेक्ट्रेट तक मुस्लिम समाज ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान से गलत टिप्पणी करने पर निकाला मौन जुलूस। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास नीली खेड़ी गांव में तेज रफ्तार का दिखा कहर, दो बाइकों की आपस में टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। रायपुर में सम्मान समारोह में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ की ओर से किया गया था आयोजन। बूंदी जिले को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी की शुरुआत। पौड़ी में सीएम धामी के निर्देश पर सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द समाधान करने के अधिकारियों को दिया निर्देश। कन्नौज में पुलिस के काम से जनता खुश, लोगों ने फूल बरसाकर पुलिस का किया स्वागत। शाहजहांपुर में नदी में युवक के डूबने से मचा हड़कंप, लोगों ने बताया नदी के पास घर होने से हुआ हादसा। दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके में मोहम्मद जैद नाम के एक शख्स ने एक युवक पर किया हमला, इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। सिद्धार्थनगर में पुलिस की मौजूदगी में युवक ने की जमकर मारपीट, बचाने आए लोगों को भी आई गंभीर चोटें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शुक्रवार को कोरबा के अग्रसेन भवन में 11 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल रहे मौजूद। दुर्ग में आरपीएफ एवं जीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई की, एक युवक अवैध दारू की तस्करी करते गिरफ्तार, कब्जे से 33 बोतल भी बरामद। चमोली के जोशीमठ में बीती रात बादल फटने से पानी के बहाव से बह गई पैदल चलने वाली पुलिया, गांव वालों ने पास आवागमन के लिए बाधित। डोईवाला के केशवपुरी में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों को उतारा मौत के घाट, आरोपी पिता मौके से फरार। बालोद के थाना इलाके के जंगल में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक्शन मोड पर दुर्ग आरटीओ विभाग, शहर के कुछ जगहों से हो रही गुजरने वाली स्टेट हाईवे पर पॉइंट बनाकर किया जा रहा है वाहन चेक। कोरबा के दीपका थाना इलाके में पारिवारिक झगड़े के चलते हुआ खूनी संघर्ष, बहू ने सास पर किया चाकू से हमला। संभल में लूट की बड़ी वारदात आई सामने, हजरतगंज गड्डी थाना क्षेत्र में एक बारात में दूल्हे के नोटों का हार, चैन, अंगूठी और नकदी लूट कर बदमाश फरार। रायबरेली में युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शादी में असलहे से फायरिंग कर रहा था युवक। देहरादून एसडीएम कार्यालय पहुंचे बीजेपी विधायक विशन सिंह चुफाल, चाय बागान की जमीन को लेकर के दाखिल किया जवाब। लक्षण में धल्लल से हो रहा अवैध खनन का कारोबार, पिछले दिनों खनन और ओवरलोडेड वाहनों के कारण सड़क हादसों में 8 लोगों ने गंवाई थी जान। अलीगढ़ के थाना कवासी में एक मॉडल ने समाजवादी पार्टी के नेता पर लगाया रेप का आरोप, पीड़िता ने 1 साल बाद कराया मुकदमा दर्ज। सितारगंज में चलाया गया बाल श्रम के खिलाफ अभियान, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से किया जागरूक। सितारगंज में पुलिस ने रैकेट कंपनी की चोरी हुए सामान के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 21 जून को कराई गई थी सामान कम होने की शिकायत। कानपुर के जोही थाना क्षेत्र के राखी मंडी फैक्ट्री में लगी आग, काम कर रहे 9 लोग झुलसे, 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
अलीगढ़ में नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराने का मामला, लड़की के विरोध करते हुए पुलिस से शिकायत, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी कार्यक्रम को रुकवाया।